हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो टीवी वगैरह, जो डिश टीवी जो भी लगाते हैं हम, उसके लिए वायर जो ग्राउंड से जाता है वो किस तरह से पाइप लगाया जाता है। तो आपको हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से पाइप लगाया जाता है। तो यहाँ से जैसे कि हर रूम के अंदर हम डीप के अंदर पाइप दिया करते हैं, तो उस डीप के अंदर देने के बाद जब मार्बल्स वगैरह फिट होते हैं तो उस मार्बल्स के नीचे नीचे ये पाइप आ जाता है। तो इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हो, इस तरह से आप भी कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो जो कनेक्शन होते हैं, जो पाइप वगैरह के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर जो वगैरह डाले जाते हैं, उसके साथ में ये केबल जो डिश की केबल होती है, जो डिश टीवी वगैरह मतलब चैनल्स टीवी की जो कनेक्शन की जो लाइन होती है, वो कनेक्शन हम इसके साथ नहीं दे सकते। बिजली के साथ में हम वो कनेक्शन नहीं देते क्योंकि वो कनेक्शन बिल्कुल ही अलग होता है। ग्राउंड देना ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि जो एसी करंट की जो लाइन होती है वो काफ़ी हमिंग करती है, मतलब हम की ज़्यादा आवाज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस डिश के वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हल्का सा जो करंट होता है वो भी बनने लग जाता है, इसलिए वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट होता है और हमारे चैनल्स में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी गंदे चैनल्स आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर किसी जगह पर आपको मोड़ना भी होता है तो इस तरह से आप बैंड वगैरह लगा करके मोड़ सकते हैं। फिर कुछ अगर मार्बल्स वगैरह वाले कहते हैं तो थोड़ा खोदना है तो हम खोद भी सकते हैं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्बल्स का जो माल होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे आता है, इसलिए वहाँ पर हमें खोदने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, वहाँ पर हमें खोदना भी पड़ सकता है। और यहाँ पर इस तरह से पाइप डाल करके हम आपको यहाँ इसकी जो डिश की वायर होती है वो डाल करके भी दिखाएंगे, बाद में कुछ अलग वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर फोर्सलिंग वगैरह की अलग एक वीडियो भी बनाएंगे आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पाइप लगाने पड़ेंगे जितनी दूरी है वहाँ, और बाहर का जो हिस्सा होता है जो एमसीबी वगैरह लगाई जाती है वहाँ, उस साइड तक आपको लेके आ जाना है। पूरे कमरे के तीनों जितने कमरे हैं उतने पाइप आपको अलग अलग लेके आने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड दिख रहा है, इसका पाइप हमारा यहाँ पर है और इसका पाइप वो रहा बोर्ड वहाँ पर, और इस कमरे का जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये हैं हमारे असलम भाई जो कि मार्बल्स का काम करते हैं, और अगर आपको मार्बल वगैरह फिटिंग का काम करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर इनके नंबर मिल जाएंगे, लिंक नहीं सॉरी नंबर मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए कौन सा माल कैसे मार्बल लगवाना है आपको। और यहाँ पर हम थोड़ा सा खोदेंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ पर मार्बल्स की जो स्कर्टिंग होती है वो यहाँ पर लगेगी। तो मार्बल वाले ने हमको कहा था कि यहाँ पर आप आराम से मतलब अंदर को लगाना है, तो थोड़ा बहुत खोद देंगे इसे ताकि अच्छे से ये अंदर को फिट हो जाए। तो इस तरह से आपको लेके आना है आगे से लेकर के यहाँ तक के पाइप लेके आना है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा तोड़ा फोड़ करना है। तोड़ फोड़ ये देखिए आप एमसीबी है और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, कभी वायरिंग करूँगा ना तो इस बिल्डिंग की वायरिंग का भी आपको नज़ारा दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ से हम काट रहे हैं बैंड के हिसाब से, आपको काटना है किस जगह पर किस तरह से बैंड लगेगा। एक इंच का पाइप यहाँ पर यूज़ लेना है, और यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूट एक छोटा सा एक बोर्ड लगेगा, उस बोर्ड के अंदर आपको ये कनेक्शन करना है क्योंकि यहाँ पर तीनों पाइप को ऊपर ले जाना या बाहर में ग्राउंड में करना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर हम बोर्ड लगा देंगे, तो बोर्ड लगाने से क्या होगा कि ये जो पाइप तीनों हैं एक बोर्ड के अंदर चले जाएंगे, और बोर्ड के अंदर जाने के बाद उसमें से सिर्फ एक पाइप बाहर निकलेगा, वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक पाइप, तो 3 इन 1 पाइप बन जाएगा यहाँ पर।
तो इस तरह से आप सेटअप कर लेना है। आपको एक बार अच्छे से पहले चेक कर लेना है, फिर सेडल वगैरह की मदद से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर देना है। और यहाँ पर आपको कपड़े या कुछ ठप्पे डाल लेना है पाइप के अंदर, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो इसी तरह से ये फिटिंग होगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से हमारी यहाँ पर फिटिंग होगी। और यहाँ पर ऊपर लाइट है या कंसील, इसके बारे में अलग एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको शेड्यूल वगैरह लगा करके सेट कर देना है, और आपको नंबर मिल जाएंगे मार्बल फिटिंग वाले के हैं तो उसको आप कॉल कीजिए और बात कीजिए। चलिए, और यहाँ पर आप सेडल वगैरह ठोक दीजिए अच्छे से, ताकि बाहर ये बाहर ना निकले और स्कर्टिंग मार्बल वाले की अच्छे से सेट हो जाए। तो और से 25 mm की यहाँ पर आपको सेडल है, एक 25 mm की सेडल यहाँ पर लगा देनी है। और आगे तक आप देख सकते हैं, बीच बीच में भी सेडल लगाना है, ताकि पाइप जब भी हमारा पैर आए तो वहाँ पर पाइप आगे पीछे ना हो। तो दोस्तों आपको अच्छी तो लग रही होगी वीडियो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मुझे आवाज़ की एडिटिंग बाद में करनी पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, कुछ इस तरह से आप सेटअप कर लीजिए। बाय बाय। डिश का वायर ग्राउंड में ही होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिसिटी के वायर में।